अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं इलिया शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पे। और जिस किसी भाई ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज मैं आया हूँ देवनार बकरा मंडी में, और मैं आप लोग को बता दूँ फ्राइडे का दिन है और ऑलमोस्ट जो है शाम के 6 बजने वाले, ठीक है। अभी नमाज़ हुई है असर की, और मैं आप लोग को बताऊँ काम बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों में। आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर लोग चढ़ रहे हैं और नीचे माशाल्लाह लोग जो है उनको सामान दे रहे हैं, और ये पूरा शेड अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहा है। ये पूरा पहाड़ों का है, ये देखिए एंट्रेंस है पहाड़ों का, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आगे चलूँगा, आगे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मतलब लेवल में 1 तारीख तक इनको काम कंप्लीट करना है। और आप लोगों को बता दूँ पहाड़े भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पहाड़े भी आने स्टार्ट हो गए, वाइट आइस का पहाड़ा देखो। तो पहाड़े भी आ रहे हैं, बकरे भी जो आ रहे हैं। कल मंडी का दिन है तो कल कट्टू की मंडी लगेगी, उसलिए भी बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी क्वान्टिटी में अवेलेबल है। ये देखिए ये क्रेन से किस तरह उठाया जा रहा है, ये देखो अभी डायरेक्ट उसको जो ऊपर लगाया जाएगा। तो लाइव सेशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को किस तरह देवनार बकरा मंडी में स्पीड में काम हो रहा है। और माशाल्लाह 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को इसका काम स्टार्ट हो रहा था वो बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं स्टार्ट टू एंड अभी जो इसका काम कंप्लीट होने वाला है। ये एक गाड़ी माल है जो कट्टू का माल है, इसके अंदर आप लोगों को पालने वाले भी बच्चे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये एक गाड़ी माल मेरे ख्याल से ये पूरा जो है ये चरने को आया है, इनको खिलाया जा रहा है। तो कल अगर आप देवनार बकरा मंडी कट्टू के लिए आते हो तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आप लोगों को माल देखने को मिल सकता है। ये बच्चा देखो, ठीक है, तो इसमें भी माशाल्लाह अच्छे बच्चे मौजूद है, बाकी प्राइसिंग नहीं पूछूंगा। तो वहाँ भी देख सकते हैं कुछ जिसके कम बकरे वो अपने बकरे अलग लेके जाता है, चराता है, 1 दिन पहले आ जाते हैं लोग और चराते खिलाते ताकि अगले दिन जो बकरे अच्छे दिखे और लोग इनके इधर से लेके जाए। देख सकते आप लोग ये शेड भी लग चुका है, ये नहीं था भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कपड़ा भी चढ़ जो 2 बड़े शेड पे कपड़ा भी चल चुका है, ये देखो, और पीछे भी शेड बन रहा है। तो लाइन से ये पूरा शेड बनेंगे, ठीक है, आप लोगों को दिखा दूँ। और भी आगे जाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी दिखाऊंगा। ये देख नाले का काम किया गया एकदम इजी वे में, माशाल्लाह देवनार बकरा मंडी बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो 1 तारीख तक ये काम कम्प्लीट होने की, जैसे GM ने कहा गया है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है उसने कहा गया है कि 1 तारीख तक ये जो है कम्प्लीट होना चाहिए। उसलिए लोग आके यहाँ माशाल्लाह फटाफट मेहनत हो रही है, देखिए पूरा लास्ट तक माशाल्लाह आप लोगों को यह है देवनार बकरा मंडी। और कुछ कंक्रीट का भी काम किया है, देख सकते हैं इधर कंक्रीट भी है इधर, ठीक है। तो ये है एक और गाड़ी का माल, ये देखिए, तो ये किस तरह ये पानी पिलाते हैं आप लोगों को बता दूँ। ये देखिए तो देवनार बकरा मंडी में ये पानी पीने का सिस्टम है, हर बाड़े वाले अपने हिसाब से जो है लाते हैं पानी पिलाते हैं और उसके बाद वापस अंदर लेके जाते हैं। तो पानी इन लोग ने पी लिया, अब ये जा रहे हैं अपने बाड़े में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। और जो हमारे भाई जंगलों में रहते हैं और देवनार की अपडेट उनको रिक्वायरमेंट है, उनके लिए मैं आया हूँ। ये देखिए ये इंट्रेंस है, लास्ट इंट्रेंस ये वाली रहती है, बैक साइड वाली, और इसका जो है लास्ट पिल्लर खड़ा हो रहा है। देखिए कितनी मेहनत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह देवनार बकरा मंडी में काम हो रहा है ताकि 1 तारीख तक ये जो है पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ जो है पूरा जो है जैसे दूर से मैं आप लोगों को बता था पूरा माशाल्लाह कपड़ा भी लग चुका है, ठीक है। तो ऐसे लाइन से 6 बड़े बड़े शेड बनेंगे, बाड़े बनेंगे, और उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये साइड 6 रहेंगे, बैक साइड भी 6 रहेंगे, ठीक है, और ये साइड भी इंशाल्लाह आप लोगों को 6-5 बाड़े मेरे ख्याल से तो यहाँ ये साइड भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी काम बहुत ही स्पीड में चल रहा है। तो है किस तरह खाका तैयार किया जाता है, क्रेन से उठा लिया गया है और पूरा बाउंड्री उसको लगाया जा रहा है कि ऊपर जाके ऐसा लगेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देवनार बकरा मंडी में बहुत स्पीड में अल्हम्दुलिल्लाह बार बार बोल रहा हूँ मैं काम हो रहा है आप लोग, और बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ इंशाल्लाह देवनार बकरा मंडी स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या शफीक भाई खैरियत है? तो क्या बोल इधर क्या नस्बत से आना हुआ है? देख रहे मंडी, मंडी माशाल्लाह काम और स्पीड में चल रहा है, और बाड़े वगैरह तैयार हो गए। कोई बड़े बच्चे समझ में आए क्या? नहीं अभी तो फिलहाल अभी जस्ट आया हूं, देखते हैं। ठीक है चलेगा, दुआ में आते हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू जो है धक्का गेट पे गाड़ियां लगी हुई है और बच्चे आ रहे हैं, गाड़ियां खाली हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आप भाई? वाशी से आए हो। कितने के लिए भाई? 16,000 रुपये। कितने घंटे पहले आए थे? आधा घंटा पहले। आधे घंटे फटाफट मिल गया, ठीक है 16,000 कुर्बानी के लिए चलेगा भाई।
तो मंडी का टाइट है क्या, सस्ती है? सही है अभी तो फिलहाल, सही है। तो आप लोग देख सकते हैं 16,000 रुपए में दोनार बकरा मंडी में। कितने किलो का रहेगा बच्चे? 40 के अंदर ही है, ठीक है। तो देवनार बकरा मंडी में आप लोग देख सकते हैं ये बकरे का 36,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या रेट से चीज़ें मिलती है आप देवनार बकरा मंडी में, आप लोगों को बताने के लिए मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई, क्या खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बोलिए। सोहेल खान भाई। सोहेल खान किधर, सलमान खान के भाई? एंड ऑफ। तो सोहेल भाई क्या बोलते हैं, मंडी समझ में आ रही है? मंडी भाई बहुत टाइट चल रही है फिलहाल तो, अभी ठीक है, ऊपर नीचे जैसा पड़ जाए वैसा पड़ रहा है, ठीक है। जहाँ पे तुम लोग वीडियो बना रहे हो वहाँ वहाँ से थोड़ा सस्ता माल मिल रहा है माशाल्लाह। दिनार मेरे एकदम भाई हवे के माफिक भाव चल रहा है, हवे के माफिक चल रहा है। तो अभी थोड़ा देखते हो, 7 तारीख की मंडी का दिन है, 4-5 तारीख को आएगा, 5 तारीख से चलेगा, 5 तारीख पहला मंडी एंट्री है। हाँ, पहला मंडी। तो मामा आ चुके, मामा लाइव अपडेट दे रहे, 5 तारीख कंफर्म ना? हाँ, लोग 7-9 पीछे बताया था 7-9, लेकिन 5 तारीख कंफर्म हो गया, अभी अब कंफर्म हो गया, काम चालू हो गया, 5 तारीख को सवेरे चालू होगा। तो ये सब काम जो है कितने दिन में खत्म होगा? ये दावे हो जाएगा जल्दी जल्दी, 1 तारीख का अपडेट दिया मेरे ख्याल से, हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा। क्या बोलते मामा कैसे? तो दो मामा एक साथ क्या बोलते, इस बार कुछ है क्या, ईद में लाएंगे या नहीं? ईद में रहेंगे करेंगे, किसके होंगे बाहर तो बोल देना। अच्छा, अंदर लेके मामा का उतरने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो बोलो बोलो। 9-3-2-6-8-2-1-9 तो कितना लगता है पैसा? 100-150 लगता है उनका, बस एक बकरे पे 100-150 रुपए लगते हैं, वो अंदर आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ बाड़े वेड़े का सिस्टम रहेगा? बाड़े का फ्री नंबर देंगे ना, तो ऐसा किसी को नहीं है कि जो पहला आके बुक कर लिया, लाइन से लाइन जैसा एंट्री होगी, चिट्ठी बताने का बाड़े में नंबर डाल देना, वो पावती पे नंबर रहता है वो बाड़े में, मतलब जैसा लोग बोलते हैं पहला आके मैं बुक कर लिया, मेरी सेटिंग है आगे पीछे, कुछ नहीं सेटिंग बिटिंग इधर नहीं, कुछ नहीं, जल्दी नंबर वाइज काम होगा, मतलब एक बकरे 100-150 रुपए जो भी चिट्ठी का देगा उतना ही देना है, एक्स्ट्रा पैसा 170 रुपए बाहर निकलने के आते हैं। ओके, अलग से ₹150 रुपए एक बकरे पे खर्चा है, बाकी और एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं। आप लोग अपने बकरे लाके बेच सकते हैं इधर? हाँ, बेच सकते। तो और किससे मिलना पड़ता है, डायरेक्ट कोई भी लेके आ सकता है? नहीं, अंदर लाना पड़ता है, गवाल दलाल से ये करना पड़ता है, गवाल और दलाल से मिलना पड़ता है। कोई डायरेक्ट लेके आ गया, डायरेक्ट गवाल से मिलने का, 100 बकरे लेके आके गाड़ी खड़ा कर दिया, तो गवाल से मिल सकते हैं इधर आके? गवाल से मिलके ही लेने का, ये नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, सब सब मामा करा देंगे, बाहर निकालने का भाई, ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, इसमें सब तुम्हारे को डिटेल बता दूंगा, कभी भी फोन करो। तो मामा जैसे आप इधर, आप ये डिटेल में ऐसा बोल नहीं सकते। जी जी, तो मामा जैसा अभी आप रहते हो 24 घंटा रहोगे? ठीक है ठीक है। तो मतलब कोई भी आ सकता है देवनार बकरा मंडी में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, आप लोग से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी आ सकता है देवनार में, ठीक है। तो ये है मामा लोग, और कुछ मामा कुछ अपडेट देना चाहते पब्लिक को? पब्लिक, बारिश और इस साल थोड़ी लेटी गिरेगी, तो मंडी टाइट रहेगी, सस्ती रहेगी? नहीं नहीं, टाइट रहेगा, मालिक सबको बराबर चलाते रहते हैं, उसके ऊपर भरोसा करो, अपना चलते रहो, ठीक है ठीक है। तो ये है मामा लोग, ठीक है मामा, बहुत अच्छा, लोगों अपडेट नहीं, सब चीज चल रहा है, कर रहा है अपने अपना खेले ना, ठीक है। 5 तारीख से मंडी का दिन, कहीं से भी लोग आ सकते हैं, अपनी गाड़ी डायरेक्ट आइए, गवाल दवाल से मिलिए, इंशाल्लाह आपको बाड़ा अलॉट कर दिया जाएगा, नंबर वाइज होगा, किसी की पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा। अभी आप लोग देख सकते हैं बच्चे की लटकन, देखिए भाई बहुत अच्छा। और मैं आप लोगों को बता दूं, देवनार बकरा मंडी जो है, जैसे कि मामा लोग ने बताया, 5 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है। और कट्टू की मंडी जो है कल है, सैटरडे की मंडी। तो अगर किसी भाई को बड़े बच्चे को मेंढे लोग, मेंढा भी आया है, बकरे भी आए हैं, तो ओवरऑल ये कह सकते हैं भाई कि देवनार में ईद का माल आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए गर्म बच्चा, बहुत अच्छा, ये देखो पीछे बड़ा बच्चा है, पीछे वाइट में देख सकते हैं आप लोग, 2 जोड़ीदार है जो देवनार बकरा मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। प्राइसिंग को बता नहीं सकता बिकॉज यहाँ जो है व्यापारी मौजूद नहीं है, बाकी माल जो है बड़ा बड़ा माल भी दिख रहे हैं देवनार बकरा मंडी में। तो कुछ रेट मालूम पड़ेगा भाई ये बकरों का? रेट मालूम गिरेगा, अभी मालूम नहीं गिरेगा, अभी बकरा अभी गाड़ी उतर रही है, शनिचर को मंडी। आप हो गवाल? गवाल, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या होता है, गवाल का काम क्या होता है बताइए? गवाल का काम होता है, हम लोग को संभालना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, चारा देना पड़ता है और उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो हम लोग को पैसा हम लोग को मिलता है। कौन पैसा देता है? मंडी के अंदर बकरा है, गवाली के अंदर देखो उधर कौन है, पालुआ है अंदर, ठीक है।
कुर्बानी का पालू अंदर। तो जैसे आप एक बकरे पे पैसा मिलता है, कैसा पैसा मिलता है आपको? पैसा क्या मिलता है, हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिलता, खाली हम लोग को एक काम पे रखती। अच्छा, मतलब ये जो है मजदूरी मिलती है, डेली मिलती है क्या मंथली है? डेली मिलती, डेली मिलती है, डेली बकरा इतने डेली मिलती है। और मंडी के अंदर हर दो मंडी है उसमें मिला के दे देते हैं, हर हफ्ते मिलती है मतलब। ठीक है, पालने लायक भी बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिख रहे हैं मुझे, देखिए ये शाइनिंग देखिए बच्चे में। ठीक है, इधर भी एक दो बच्चे हैं जो अच्छे हैं। एक लाजवाब चीज़ दिखाते हैं, देखते हैं, देखो आप लोग, मेंढा तो थोड़ा अभी बीमार दिख रहा है मुझे, लेकिन पूरे गुलाबी कान में है, वाइट मेंढा, और कान भी अच्छे लंबे हैं। ठीक है, और ये बच्चा देखो, इसकी शाइनिंग देखो। तो पालने लायक बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह देवनार बकरा मंडी में आप लोगों को जो है साल भर आते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अच्छा बड़ा लॉट है भाई, आगे चलता हूँ अभी। तो फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पूरा जो है बाड़े, कल मंडी का दिन है। ठीक है, तो ये पूरे बाड़े भर जाएंगे और माल जो है कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो माल आते रहेगा और ये बाड़े भरते रहेंगे, कल कट्टू की बड़ी मंडी लगेगी। ठीक है, और 5 तारीख से जो है देवनार बकरा मंडी की ईद की मंडी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा कट्टू का माल है। और ये जो होता है ना भाई, इनका रेट जो है, दुकान वाले आते हैं और डिसाइड करते हैं और लेके जाते हैं। ठीक है, कोई 12 बकरे एक साथ लेगा, 20 बकरे एक साथ लेके आता है, कटिंग करता है। और हफ्ते में 2 दिन लगती है देवनार की जो कटिंग की मंडी है, मंगल और शनिचर के दिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? इब्राहिम भाई। क्या कर रहे हो इधर? क्या कर रहे थे? घूमने आया था देखने बकरे। ठीक है, तो इसमें बकरे अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? वालेकुम सलाम। बहुत स्पीड में भाग के, क्या बात है? भाई से मिलना है। ठीक है, तो इसका रेट जो है पॉसिबल नहीं होता बता देंगे, व्यापारी जो आज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 35-40 इतना क्यों मांगोगे? इतना महंगा नहीं रहता भाई, जितना आप बोल रहे हो कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बार्गेनिंग करेंगे तो उतना बोलेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं देवनार बकरा मंडी में जो है कुर्बानी का माल आना बहुत ही स्पीड में, जैसा मैं बता रहा हूँ, शुरू हो चुका है। और पूरा वाइट कलेक्शन, ये देखिए, ये पूरे वाइट है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखो बहुत भारी, ये बच्चा देखो भाई बहुत अच्छा। तो ये है देवनार बकरा मंडी, मैं आप लोग बता दूँ ये पूरा जो है सौदा हो चुका है। ये देखो, तो मैं अभी व्यापारी से बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोलते भाई, खैरियत? तो ये बकरे जो है माशाल्लाह अभी आपने परचेस किए? हाँ भाई, ले लिया लिया भाई। ठीक है, अभी ये सेलिंग करेंगे ना? अभी सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या रेट से स्टार्ट होंगे भाई? ये अपने पास स्टार्टिंग है भाई 30,000 से 60,000 तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी माशाल्लाह ये पूरा लॉट माशाल्लाह हमारे भाई ने लिए। तो अगर आप लोगों को इसमें तो कोई भी चीज़ें पसंद आ रही है तो देवनार बकरा मंडी में कौन से बाड़े में मिलेंगे अभी? ये भाई यहीं मिलेंगे, ये जगह पे देख लो, क्योंकि बाड़े में नहीं लेके जाऊंगा भाई, मैं यहाँ रहेंगे, ये कल तक कोई रहेगा 5 बजे तक शाम के, फिर उसके बाद अपना ये माल यहाँ से अपने फार्म पे चले जाएंगे। फार्म पे किधर? जोगेश्वरी में अपने जगह है, ये अपने भाई है, ये भाई की जगह पे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम आपका भाई? रियान। रियान भाई, रियान भाई की जगह पे बकरे जाएंगे जोगेश्वरी। ठीक ठीक ठीक, चलेगा भाई, मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं भाई का नंबर नहीं तो जो भी रहेगा बकरा, मेरे को स्क्रीनशॉट मार के जी जी को भी जाना। जोगेश्वरी वेस्ट में बड़े भाई, जोगेश्वरी वेस्ट में अंजारिया चूना वाला हॉल पे जी 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 जी, वहाँ पे इंशाल्लाह उतरेंगे जानवर मेरे। ठीक है, तो और भी वो जानवर रहेंगे ना आपके, तो हमारा जोगेश्वरी वालों के लिए इजी हो जाएगा भाई। हाँ। कि आप लोगों ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा लॉट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, एक से एक नगीने। क्या वजन से क्या वजन तक है इसमें? 45 किलो से लेकर 80 किलो तक। 45 किलो से लेकर 80 किलो। 45 किलो तो कोई है ही नहीं भाई, मैं सिर्फ एक बात, 50 के ऊपर ही, 50 के ऊपर, 2-5 किलो कम बोल दे तो अच्छा है। ठीक ठीक ठीक, चले 80 किलो तक बच्चे, सब नगीने बच्चे, एक सब बच्चे 2 दांत 4 दांत उसके ऊपर नहीं है। जजाकल्लाह भाई, हम लोग का ऐसा 2 पैसा मिल जावे भाई अपने, इंशाल्लाह अपने भाई निकाल देंगे। तो वंस अगेन मैं आप लोगों को ये सारे अंडू दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ें पसंद आए आप लोग देवनार बकरा मंडी में कल आ जाइए। ठीक है, और S4 के बैक साइड में रखा हुआ, S4 में भी आप आओगे ना तो इंशाल्लाह उसके बैक साइड में ये देखो बच्चा, देखो लाजवाब। तो ये लास्ट है, मैं आप लोग बता दूँ, ये 2 बच्चे, ये देखो ये बच्चे का पंच देखो भाई, बहुत एक्सट्रीम बच्चा है भाई, जो आज आप लोगों को देवनार बकरा मंडी में देखने को मिल रहा है।
तो जिस किसी भाई को भी लेना है आप जो है बेझिझक आइए देवनार बकरा मंडी। खस्सी बच्चे, ठीक है, ये वही लॉट के बच्चे हैं और वही भाई के बच्चे हमारे, ये देखिए। तो अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ईद के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, देवनार आना चाहते हो, तो बेझिझक आइए देवनार बकरा मंडी। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बड़े जानवर आना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बनाते बनाते अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं लाश भाड़े पे पहुंच रहा हूं, ठीक है। वीडियो को इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा मैं, आप लोग को काउंटिंग जो है जो इंडिकेटर होता है देवनार बकरा मंडी का वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी में आते हम लोग, अंधेरा हो जाता है जाते जाते। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को देवनार के हर कोने की अपडेट मिले। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये बच्चा, देखो अब ये मेहनत करते करते देवनार में ये नगीना मिला। बच्चा अच्छा है, बच्चा में आप लोग गुलाबी है, मार्बल सिंह मार्बल खुर, तो ऐसा ढूंढना पड़ता है आप लोगों को देवनार में आके। प्राइस तो नहीं बता पाएंगे बिकॉज ऑफ व्यापारी नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा बच्चा है कट्टू में आया है, आके लेके जाइए। अगर आप आ सकते हो तो आप लोग जो है यहाँ कल है सैटरडे की मंडी। अरे ये बच्चा भी अच्छा है, ठीक है, अंडू बच्चा है, मतलब कुर्बानी के हिसाब से अच्छा है। तो जाते जाते मैं आप लोगों को इंडिकेटर का अपडेट दे देता हूँ। ये इंडिकेटर चेक हो रहा है, ठीक है, और देवनार बकरा मंडी में जब ये 5 तारीख को मंडी एंट्री स्टार्ट होगी, जब से एंट्री बोलते हैं ना उसमें एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो कितने बकरे आए, कितने गए और कितने अवेलेबल है, सारे अपडेट इंशाल्लाह आप लोगों को देवनार बकरा मंडी की ये इंडिकेटर पे मिलेगी। तो जाते जाते आप लोगों को पाड़े भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कंटिन्यू पाड़े आना भी शुरू हो चुके, दुआओं में याद रखिए। तो अजान भी हो रही है, चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़।